यार फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे साबूदाने से दो नए ब्रेकफास्ट। इसके लिए लिया है हमने 3 कच्चे आलू और इसे हम कट कर लेंगे बड़े बड़े पीस में। आप इस रेसिपी को व्रत में भी बना सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। चलते हैं, हमने पैन चढ़ाया है, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच देसी घी। आप इसमें मूँगफली का तेल भी डाल सकते हैं, जो भी आप व्रत में खाते हो, या आपको ऐसे बनाना हो तो आप ऐसे कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम जो हमने आलू कट करके रखा है वो आलू हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे जब तक कि थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो हमारे आलू में जो है थोड़ा थोड़ा सा कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्ची, जिसे हमें साबुत ही डालना है, हमें इसे कट नहीं करना है। और इसको भी करेंगे थोड़ा सा फ्राई। अब हमने लिया है आधा बाउल साबूदाना, इसको हमने अच्छे से रुमाल से पोंछ लिया था। अब हम इसमें इसको भी अच्छे से रोस्ट करेंगे साथ में। जब भी कुछ झटपट बनाना हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फाइनली हमारा जो साबूदाना है वो अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम चलेंगे इसको ठंडा करके, इसे हम मिक्सी जार में पीस लेंगे और इसको हम दरदरा पीसेंगे, इसे हमें बारीक नहीं पीसना है। तो हमने इसको अच्छे से पीस लिया है, जैसा कि आप देख रही हैं दरदरा पिसा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, लेमन, मैंने लेमन के बीजे हटा लिए हैं, तो इसमें हम 1 लेमन डालेंगे, जिससे खट्टा, इसके खट्टेपन का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इसमें डालेंगे सेंधा नमक, हरी धनिया, इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स और इसका एक अच्छा सा बैटर बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसका बैटर रेडी कर लिया है। अब चलते हैं इसे हम बनाने। हमने लिया पैन, इसमें लगाया है ऑयल और इसको हम हाथ से फैलाएंगे। इसे हल्के हल्के हाथों से फैलाएं, ज़्यादा पतला नहीं फैलाना है इसके चिले को। तो ये अमेजिंग चिला ट्राई करें ज़रूर से, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक पे। इसके चारों तरफ हमने ऑयल ग्रीस किया है और 2 से 3 मिनट बाद इसे हम पलट देंगे। पलट के भी हम अच्छे से गोल्डन एंड ब्राउन होने तक इसे अच्छे से सेक लेंगे। इसके बाद इसमें हम फिर ऑयल डालेंगे। आप जब भी इस चिले को बनाएं, इसे नॉन स्टिक पैन में बनाएं, इसे चिपकेगा नहीं। अगर आप ऐसे तवे बनाते हैं तो वो तो आप पहले से ग्रीस किया हो, नहीं तो हमारा जो चिल्ला है वो चिपक जाएगा। तो नॉन स्टिक पैन में ये कम ऑयल में एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है। आप इसे व्रत में खाएं, ऐसे खाएं। तो फाइनली जो हमारा जो चिल्ला है वो रेडी हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम चलते हैं इसी बैटर से इसकी हम पकौड़ियाँ बनाएंगे। साबूदाना के वड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, आज हम पकौड़ी बनाएंगे। चलिए, हमने लगाया पैन चढ़ा, इसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल, हमने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है। अब इसी थोड़े से ऑयल में हम बनाएंगे पकौड़ियाँ, इसकी हम छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाएंगे। तो इस एक बैटर से आप 2 चीज़ें आराम से बना सकते हैं और झटपट बना सकते हैं। तो ट्राई करें इस दोनों रेसिपी को और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो रेडी हो गई हैं, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।